गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। अभी मैं क्लास 5 को पढ़ाने जा रही हूँ। सब्जेक्ट्स मैंने लिख दिया मैथ्स है और यूनिट आपका 3 चार आज से स्टार्ट हुआ है रोमन न्यूमेरल्स। देखिए रोमन न्यूमेरल्स इधर लिखा हुआ है और हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स, जैसा कि आप लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर हमारा होता है पूरा, उसको मैंने इस साइड लिखा हुआ है और रोमन न्यूमेरल जो है वो इधर लिखा हुआ है। तो देखिए 1 को रोमन न्यूमेरल में ऐसे लिखते हैं, 2 को रोमन न्यूमेरल में ऐसे लिखते हैं, 3 को रोमन न्यूमेरल में ऐसे लिखते हैं, 4 को रोमन न्यूमेरल में ऐसे लिखते हैं, 5 को रोमन न्यूमेरल में ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को 5 में देखिए 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 में जैसे ही आप एक बढ़ा दीजिएगा तो ऐसे 6 आप बना दीजिएगा, फिर 7 लिखना है तो 5 में आप 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया। फिर 8 लिखना है तो 5 में आप 3 बढ़ा देंगे तो 8 लिख देंगे। अब 10 का देखिए, पहले 10 को ऐसे हम लिखते हैं और 9 लिखने के लिए जैसे ही इस साइड में, यानी 9 के 10 के पहले जैसे ही हम 1 ऐड करते हैं ऐसे लिख दीजिएगा, इसका मतलब ये 9 हो गया। और इसके अगर हम आगे ऐड करते हैं 1 तो वो हो जाता है 11। देखिए यहाँ पे L 50 के लिए क्या आता है रोमन न्यूमेरल में, L का यूज़ किया जाता है, और 100 के लिए C होता है, 500 के लिए D होता है, और 1000 के लिए M होता है। अगर ये आपको पूरा याद है तो आप पूरा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। 6 को कैसे लिखना है तो 5 आपको पता है कैसे लिखा जाता है, और 5 में जैसे ही आप 1 यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये क्या आपका हो जाता है 5 1, ये 6 हो गया। अब देखिए ये आपको पता है कि ये 10 है, 10 में जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये आपको पता है कि ये 10 है और ये 5 है तो 15 लिखने के लिए इस 10 का यूज़ करेंगे और फिर 5 का यूज़ करेंगे तो ये आपका 15 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो 100 में जैसे ही हम 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर डी का मतलब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, डी का मतलब होता है 500, और डी और सी का मतलब 100 होता है, तो डी और सी इसका मतलब 500 प्लस 100 यानी 600। फिर एम का मतलब आपको पता है 1000 होता है, और सी का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो 1000 प्लस 100 यानी 1100। तो इस तरह करके आपको पहले ऐसा यूज़ करके एल तक का आप यूज़ कीजिएगा अपनी कॉपी में और नोटबुक में, और क्या कीजिएगा 50 तक जो है वो आप लिख लीजिएगा। जैसे ही आप 50 तक लिखेंगे उसके बाद आप 100 100 200 सवा कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इससे ज़्यादा कल मैं और ज़्यादा आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।